टोगो के ओनर मिलने आए तब टोगो ने ये रिएक्शन दिया, बताना ये सही रिएक्शन है नहीं, 15 दिन की ट्रेनिंग फेल। फ्रेंड्स ये हैं टोगो के यहाँ से, टोगो जो कि एक इंडियन ब्रीड है, उसको 15 डेज पूरे हो गए हैं तो ये मिलने आए हैं। और विस्की को पता चल गया, हेलो सर, और विस्की अननेसेसरी अब भौंक रहा है और ये फिर से कॉल आ गया हमेशा की तरह। तो केक वेक किधर है दिखा जो, इसलिए पूछा। वेरी गुड मॉर्निंग, एकदम फर्स्ट क्लास, यही 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 वो आवाज़ नहीं आई एक बार, वो ये सब चेयर पर रख देते हैं वहाँ, और इस तरफ रहो वहाँ से दिख जाएगी, स्मेल आ जाएगा तो वो भी चिल्लाएगा भी। फिफ्टीन डेज बाद में कोई भी मिलने आ सकता है एक बार अपने, हाँ 15 डेज कम्प्लीट। याद आ रही थी मेरा टोगो कैसा है, मेरा टोगो कैसा है, तीन दिन तो मुझे नींद नहीं आई जब छोड़ा था तब, और खाना नहीं खाया तब, तो बहुत ज्यादा बोलो जाके छोड़ो उसको, बोल उसको छोड़ो खाली, बहुत सीधा घर पे ऐसा लग रहा था शेर ही है, शेर याद आएगा गीदड़ है, नहीं नहीं धीरे 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 नहीं काफी सुधार आया वो एक्चुअली। गोइन भैया इसको हटा, उसको छोड़ो, बाकी ये एक कनों को भी बर्दाश्त नहीं करता था, पता चल जाएगा कैसे क्या है। अब ये जो भाग रही है विस्की, अब विस्की को छोड़ दूं तो बहुत ज्यादा उदम करेगा, आपकी वो मैगी और वो मुझे बहुत, वो सब यहीं पर मिलाएंगे आपको, वो सबको अभी अभी जाने से पहले उनसे भी मिला देंगे, नाम याद हो गया आपके, आप भी नहीं छोटे छोड़े ना, ये चीजें पहले पहले इसे पूरा प्यार करने देते हैं फिर समझाएंगे। देखो अब ये दोनों ये सोच रहे थे कि ये और ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर जंप मारेगा, अब ये जंप में वो टाइप नहीं रहा जो पहले था, अब ये चीज अपन इन्हीं से पूछेंगे, सर इसको ये जंप अब कम कर रहा है या पहले जैसा ही है, थोड़ा सा कम हो गया, नो 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 करते समझ नो नो मिलाएंगे, तुम्हें भी मिलाएंगे भाई, आराम से पीछे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बहुत से वीडियो डाल नहीं सकते, इतना टाइम रहता ही नहीं यार पूरा पूरा दिन, फिर भी काफी वीडियो से पीछे करते हैं ना हम, काफी उससे देख लेते हैं बिहेवियर वगैरह कैसे चेंज हो गया, अब हर चीज अभी नो हां ऐसे नहीं जैसे हां वर्ड्स हमारे यूज करना छोड़ो और इसको खींचो मत अपनी तरफ के, वहां जा रहा खींच रहा ऐसे नहीं, कुछ चीजें आप समझो कि ये समझ गया है बोलो तो सर इसको, नो में ये सिर्फ यहाँ नीचे नीचे टहल रहा है, इसको सिर्फ ऐसे नीचे, आप बस ये प्यार करने का तरीका यही तरीका अपने को रखना है, जंप करेगा तो बच्चों को भी गिरा देगा और डरेंगे भी लोग, और जब ये चीजें ना ये चीज नो से रोको, हर इसकी जो पसंद की चीज है उस पर रोको, तो आपको समझ में आने लगेगा वो रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, उसी से पता चलेगा ठीक होगा, फिर खाता तो वैसे ही है ना ये, और ये नलाया इसलिए इतने पूरे बाल, इसको इडली पसंद है, रुकना रुकना है क्या वर्ड, वर्ड हमारे यूज करो, हमारे वर्ड यूज करो, वो वीडियो हम लोग इसीलिए ओनर्स को बोलते हैं कि वही चीज दोहराए, वही चीज दोहराए जो है, नहीं खाना इसको, ना अभी थोड़ी देर बाद उससे भी मिलना, गुफी से हमारा स्टार, गुफी तो वन ग्लास से ऊपर व्यू है ना,
काफी धीरे धीरे करके तो काफी चेंज हो गया। ये तो देखो आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ। तो धीरे धीरे ट्रेंड होगा करना क्या है कैसे होगी और करना चीजें गलत और सही का अगर इनको एक बार दे देंगे ना वो हमेशा याद रहेगा। बाबा है मैम इतने डर रहे हैं इसको बुलाने क्योंकि वो फटाफट खाना चाह रहा है इसको। अब इसको वो नो बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके हैबिट में नहीं है। अब मैं इसको नो बोल के आता हूँ देखो एक नो 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 ये नो है जो नो सिखाते हैं ना कमांड्स में वही स्टाइल से सिखाते हैं। अब इसमें नो नो बस इसमें अब मैंने मारा कितना ईजी है बस इतना ही नो है वो बस। अब इसे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा फिर यही चीज इसको उठा के लास्ट में ऐसे हाथ से खिला दो। हाथ से इसलिए खिलाओ क्योंकि ये धीरे धीरे जो एकदम स्पीड में बाइट कर रहा है ना वो रुकना शुरू हो जाए। ले थोड़ा थोड़ा पकड़ो और थोड़ा थोड़ा ही खाने दो अपने आप थोड़ा थोड़ा जैसे वो आपके हाथ को बाइट करे हाथों हाथ आप नो बोलो। ये देख ये रहा नो ये देखो अब मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ी ना तो ये देखो किताब है ले ये ले ऐसा इस तरीके से आपको वर्ड्स वो यूज करने पड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ पहले ये पनीर को देख कैसे रुक जाता था नहीं ऐसे समझ रहे हो कैसे लेके आई खाएगा ही नहीं ये तो ये वाली जिस तभी पनीर दिखा दिए पनीर वगैरह दिखा दिए तो पहले पनीर ही खाएगा। हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते हैं वो लोग जो जो पसंद है वो पहले चूज कर करके खा लेंगे। वो धीरे धीरे वो पानी लेके आओ तो हैबिट हो जाती हो मैं मंगवा तो ऐसा क्यों कर रहा है आपकी सेफ्टी हो गई ठंडी रखना किसी को कुछ नहीं करेगा रंडी तो रंडी आप इसको मत लगाओ बस ये अपना इसको आप नहीं लगाना इसको मत लगाओ। ए अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुनो इसको जोड़ो बाकी सब बात लगाओ ये अपना बचा देगी। हमारे डॉग है हाथों पे हमारे डॉग ऐसे क्या भाई इसको जोश नहीं है ये आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है इससे सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है और इसमें आपको इसको कुछ नहीं बोलना है इनको लाख करोड़ करो ये हमारे छोटा आप कुछ मत करो आप दोनों मत घबराओ यार मैं कह रहा हूँ वो इसको अभी धो डालेगी वो मेरी वजह से चुप है आप लोग समझते नहीं हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है वाला वो अभी ऐसे धोएगी इसको कि ये उस कोने में जाके बैठेगा और फिर वहीं तक बैठा रहेगा। मैं इसे रोक रहा हूँ सिर्फ मन से आप दोनों मन से डरो मत वो डर इसको पता चल रहा है और वो इस पर आ रहा है समझ गए। अभी इतनी देर से ये तो बोलो इससे मत प्यार करो और इन सबको करो तो इसे हाँ तो ये आना चाहता ना आना तो अपना आप ये देखेगी समझ लो आराम से प्यार करो इसकी ये चीज तोड़ो कि मैं कर सकती हूँ भाई मेरी मर्जी इसको भी इसको इडली बहुत पसंद है मैगी को और इसके सामने तो इसका अपना पकड़ टूट जाएगी ये कुछ मारेगी थोड़ी ना अपने को पता है कि आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे इसको भी दे दो वो आपको भी करा इसको दो ये भी 9 साल का है शैंकी हाँ शैंकी ये मेरे साथ ही रहता है इसकी इतनी बुरी आदत है वैसे मैडम ने बोला इसको एसी में रखो ना मैडम ने बोला मुझे एसी में रखो लेकिन ये ऐसे में रहता ही नहीं है डालते ही भोगता ये तो कहता है तू जा है वहाँ ये देखो डरा ना उसको अपने आप ये लो आराम से गुड बॉय। अब बताओ ये कुछ कर रहा है क्या अगर फाइट करना होता तो कर चुका होता क्योंकि इसे पता है कि ये भी बाद में धोएगी फिर इसको इसको तो मैं रोका हुआ हूँ कि तू कुछ मत कर खुशी छोटी वाली ये रही ये रही क्योंकि इससे मत घबराओ ये मैं बैठा हूँ जब जरूरत भी नहीं यार वो दो भाई करण अर्जुन है वो जो कल छोड़ के आया ना वो आज आज मॉर्निंग में जो पीएगा वो दो है ना खुशी ना पूरी गली वाले देखने आए थे सिर्फ उसको आपको वही बोलना जो मैं बताया आराम से लो आराम से
अपन की वजह से भी बहुत बार डॉग अग्रेसिव हो जाता है। ये लो, इसको देंगी। खुशी ना, हाँ आप समझ नहीं पा रहे हो हमें किस तरह से बर्ताव करना है। बस क्योंकि आप हाथ धोना सही तरह को बस ये क्या है कि इसको ऐसा लगता है कि प्यार करने के लिए हाथ करोगे। हाँ इसको कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है, ये बस खत्म दोस्त है। कभी भी झगड़ा हो जाए ना तो हमेशा ये याद रखना ताकि आस पास गंदी करने से ही छोड़े। नहीं नहीं ना, ये क्या है कि जब भी ये आपस में होते हैं ना तो मेरे पास पानी और ये गेम नहीं खेलने का, ऐसे गेम से उनको थोड़ा वो लड़ने के तरीके आने शुरू हो जाते हैं और वो फिर अग्रेशन का रूप लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स आती है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपके ऊपर नहीं कर रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो तरीका उनको फाइट करने का अंदर से सिखा रहा है, वो तरीका गलत है। वो करोगे तो फिर इसमें वापस चेंजेस आएंगे। हाँ अभी वो इसीलिए कर रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और रही बात वो अटैक करके वो मार देगी, अरे यार इनको मैंने ट्रेन किया है, वो मेरे साथ रहती है 24 आवर्स, मैं किसी से नहीं डरता, ये क्या करेगी, धोएगी ये तो खुद, क्यों इनके बाल किया था, क्या प्रोटेक्शन, तो इसके आप टेंशन मत लो। हाँ फिर मत पकड़ो, अभी क्या बोला इसको, यार नहीं यार प्यार करना, ये मैं यहाँ हूँ तब तो समझा सकता हूँ, मैं जब नहीं रहूंगा तो ये कैसे ट्रेन करेंगे बताओ, मैं कितनी भी मेहनत करूँ तो मतलब क्या। इनको बोला नहीं बोला मैंने कि इससे प्यार मत करो बाकी सबको करो, इसके लिए मैंने अलग छोड़ा था ना इनके लिए प्यार करने के लिए, यही प्रॉब्लम है सबके घरों में हो, इस वजह से डॉग्स नहीं सुधरते या रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलता, हमें मिल जाता है क्योंकि हम उन चीजों के लिए स्पष्ट है, नहीं मतलब नहीं। अभी मैं कब से बोल रहा हूँ ना कि इसको मत करो मत करो, फिर भी करते जा रहे हो तो ये और ज्यादा कर रहा है, तो वो आप सिखा रहे हो सबको प्यार कर रही हूं। अरे तो कहाँ सबको, इसको छोड़ना था ना भाई, अभी सब है ना इसको छोड़ो। हाँ क्योंकि इसको तो दे तो दिया आपको पूरा कि भाई रखो तुम रख लो कर लो लाड़वाड़ सही करना, अच्छा कोई बात नहीं ना, इसे सिर्फ ना बोलना है। अच्छा नीचे भी बैठी है क्या, अच्छा आप ही तो प्यार करो ना, हाथ हटा दो ये अपना मचकाई गिर को, ये अपना भी इसको मारेगी फिर, अच्छा समझा देगी अभी समझा देगी कि ये मेरे वजह से चुप है, दो सेकंड में इसको समझा देगी, फिर ये वो वाला बोला पकड़ेगा, सुनो नहीं ये मारेगी ना फिर, ये ऐसे ही करता है घर पे, अरे वो घर पर तो करता है लेकिन यहाँ तो आप लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि अभी 15 डेज हुआ 15 डेज, ये वो प्यार की वजह से जलस की वजह से फिर समझ रहे हो, उसमें आप जब भी तो मैं आया जब मैं आपको बोला कि इसको प्यार मत करो आप, उसके बावजूद ही हाथ लगाते जा रहे और वो गुस्सा कर रहा है फिर भी हाथ लगा रहे, फिर ऐसे में ही फाइट होती है और लोग क्या देखने वाले सिर्फ ये कहेंगे ये देखो 15 दिन ट्रेनिंग दी तो भी लड़ लिया डॉग, अरे अब उनको कौन समझा सिचुएशन यहाँ पर क्या थी, तुम्हें क्या पता यार सिचुएशन डॉग के ऊपर, इसको इग्नोर मारो आप, फिर तू इसके ऊपर प्रोटेक्शन कर रहा है, अभी ये अग्रेशन नहीं दिखा रहा है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बस उतना ही, तो बहुत अच्छी बात ही है ये, वो हमें समझना होगा कि वो अग्रेशन है या प्रोटेक्शन है, अब इस प्रोटेक्शन में आपको प्यार नहीं करना होता और ये फिर प्यार के लिए उठने वाला था, मैं ये समझाता हूँ ये प्यार करके आप क्या बता रहे हो तू सही है तो फिर आपकी बात गलत, समझ गए, अभी आप इसको प्यार करके यही सब बताओ तू सही कर रहा है तो मैं तुझे प्यार कर रही हूँ, मैं आते ही बोला इसको तो है को कुछ कहना भी नहीं है, हाँ कुछ नहीं कहना है, वो बातें समझो आप, क्योंकि देखो हर टाइम आपके साथ रहेगा और आपके घर पर तो वैसे डॉग है नहीं तो इन चीजों की तुम्हें, ये तो आया ना प्यार कराने, मार भी खाता तो प्यार कराने नहीं अंदर, ये लाड करवाना है सब कुछ छोटो रहा हूँ बहुत डॉग के तो स्लो मोशन में देखते हैं हुआ क्या, इतनी देर मना करने के बाद भी मैम उसे और प्यार कर रहे थे, सर भी उसे प्यार कर रहे थे, फिर इसने मैगी पर हमला कर दिया,
जब मैगी पर हमला किया तो मैगी को आया गुस्सा, फिर मैगी ने भी उस पर हमला कर दिया। पहले मैंने एक स्टिक मार के इसको हटाने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा छोड़ मैगी को ही इसको समझाने दे, इसलिए मैं बीच में कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो मैगी उसे बुरी तरह से मार रही है, इसमें इसको बाइट नहीं लगी है, मतलब कि डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी तरह से समझा दिया है इसे कि तू जो कर रहा है कब से ही वो गलत है। और यहाँ मैंने हाथ इसलिए रोका, मैंने कहा रुको कोई बीच में कुछ नहीं करेगा, मारने दो थोड़ा इसे, जो इसे समझ में आए कि ये जो कर रहा है वो गलत है। और जैसे कि वीडियो में देख रहे हो आप, कसम से बहुत बुरा धोया है इसको, बहुत बुरा धोया है। और ये तो अच्छी बात है कि ये मैगी से धो ही रहा है, अगर इसकी जगह खुशी होती तो मैं गारंटेड हूँ कि वो तो ये भी नहीं देखेगी कि मतलब जाने दो छोड़ देते हैं। वो जब धोना स्टार्ट करी, ये देखो यहाँ फिर से थोड़ा बहुत करने वाला था, तो मैंने इसको यहाँ से डंडी मार के भगा दिया। और ये इतना स्लो मारा हुआ है कि ऐसा डैमेज वाली चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई छुड़ाने के लिए कर रहा था। और आप लोगों को ये शो कर रहा था कि देखो ओनर्स को मैं ये चीज़ कितनी देर तक समझा रहा था, लेकिन वो नहीं माने, और फाइनली उन्होंने ये खुद अपनी आंखों से देखा और फिर माने। क्या बोला था मैंने अभी, मारने की कुछ बोला था, अब मार इसको, मार क्यों खाने दिया, क्योंकि ये जो मार रही है बाइट नहीं लगाएगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझा दे कि तेरा राज नहीं चलता है। ये देखो क्या बोला था, साइड में रहेगा, अब ये जो बोलता हूँ वो हुआ, आपको कुछ करना पड़ा, मुझे भी कुछ करना पड़ा। मैंने क्या कहा, ये इनसे लड़ेगी यार, ये वो इसने मारा जो ठीक है, ये मारती ना गारंटी देता हूँ उस वाले खड्डे से इस तरफ नहीं आता, ये इसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, हम रोकते हैं इनको। ये चलती ना बहुत अच्छा लगता है, जो वहाँ से आती है ना, अब देखना अब इनके पास तक नहीं आएगा, भटकेगा भी नहीं, अगर ये यहाँ आएगी खुद ही पकड़ लेगा खुद तरह से ना आएगा, इसको इसको ले लो, हाँ इसको ले लो ना मत, और ये इसको कुछ करेगा तो खोलो गुफी नहीं भेज दे है ना, ये गुफी पर घुराएगा तो मैं अपना आप देख लूंगा। और अब तो ये वैसे भी इनसे डर रहा है, ये देखो हुआ पीछे, फिर अभी सांस भी नहीं जाएगा, हाँ अब नहीं जाएगा, हाँ वही तो कह रहा था मैं, क्यों आप ही डर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिट्टी हो जाए सारी, ए खुशे नो मैगी ना, गोफी आए गोफी इसके बाल खड़े महीने पर क्या था, वो पहली बारी तो मिलता है अननोन से, और इस समय तो ये ऐसा देखते ही नहीं था, देख के भौंक के काट जाता था, ये भी अलग अलग था, हां ये भी अभी तक पूरी तरह से तो नहीं खुला, लेकिन बहुत से फर्क है गोफी इतना रुक रहा है, हां। और ये अभी आपको देख के एक्चुअल में अगर इसके नीचे पुराना वाला देखे जाए तो या तो ये हमला करता और या फिर अननेसेसरी भौंकता रहता, अपने घर को आते ना लेके आए थे वो वीडियो में देखा था, और कैसे इसको लेके आए और वो इसका रियली देखती थी, बहुत जन इसी के तो फैन है, और वीडियो में पता मेरे बेटे ने तो तभी तो सब आपको फोन किया था, अच्छा अच्छा वो वहीं छोड़े हैं प्रिंसिपल के तौर पर ही रहता हूँ पूरा एंड में आने वाला, बाकी सब ये निपटा यार, इसने सारा गिरा दिया तुमने, तो खा रही थी पता चला, अब देखो कह रही है चल रही है, अब कुछ भी नहीं कह रही है, बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको ये कह रहा था कि इसको कुछ मत करो, ये अपना अभी 2 सेकंड रुको, बस आप उस चीज को लंबा कर दिए, ये तो ये फटाफट समझे, तो सिर्फ फोन में से सिर्फ विस्की भोगे, क्योंकि विस्की है ये है, एक दो डॉग ऐसे हैं जिनके ओनर उनको कभी जिंदगी में अकेला छोड़े ही नहीं, अब हमारे यहाँ पर 15 दिन के लिए छोड़ के ये थोड़े ना पॉसिबल है, साल भर का वो हैबिट मिटा दे और मिटा भी दे उससे फर्क क्या, वहाँ जाएगा वापस वैसे ही सेम होने वाला है, तो फालतू में हमें पता रहता है कि यार देखो कुछ पाप हमें भी लग जाएगा, मैंने डंडी मारी तो कुछ पाप मुझे भी लग जाएगा ना यार, इसमें फालतू में मार दिया तो, क्योंकि वो चीज तो अब इसकी हैबिट है तो मार तो उसमें भी खाते हैं ये लोग, लेकिन वो अब इस डंडी से मैंने अभी इसको रोका है, इस डंडी से भी तो रोका है ना, ये क्या डंडी है, जो इतना तो चलता है, कंट्रोल करना बहुत चलो अब ज्यादा करेंगे तो ये भी रहना रात को, फिर आज करेगा, लेकिन आज से अब इसका स्वभाव बदलेगा वापस, अब इसको नेचर हो गया क्या, हाँ
आ गए हैं और उसको पता है कि मैं कहाँ हूँ। आप लोगों को ये पता है ये कहाँ है, पिछली बार तो समझ के हिसाब से भूल गए, गलती से पीछे रह गया, अब इसको पता चल जाएगा, आप लोगों को पता है तो कुछ नेचर तो और बदलेगा। तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि आप पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ दिया, स्टार्टिंग में ऐसे ही तो हुआ, पर उसी डर के चक्कर में मैं इसका दोस्त बन पाया, समझ गया। सब एक प्रोसीजर रहता है, उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। एक इसके सामने बुरा बनेगा तो ही तो एक अच्छा बनेगा, जब इसको कुछ चलेगा तो इसके पास जाके बैठ जाता है, जिसके पास जाएगा फिर वो अपने आप समझा देगा, समझा देते हैं। अब मुझे तो पता था कि ये समझाएगी, गलत हो गया इसने। हाँ ये अच्छा है। अच्छा वो इसके पीछे नहीं पड़ी है हनी।